ओहो भाई साहब, चारों तरफ भाई बर्फ ही बर्फ है। गाइस तुम लोग देख रहे हो भाई, आज अपने लॉस सेंटर्स के अंदर क्या ही खतरनाक वाली बर्फ गिर रही है। मतलब भाई चारों तरफ भाई बर्फ ही बर्फ, तुम लोग देख रहे हो भाई यार, लोगों के घर भी भाई बर्फ के अंदर ढक चुके हैं यार। बट भाई मुझे बड़ा मजा आ रहा है भाई बर्फ के मौसम में। भाई चारों तरफ भाई ठंडी ठंडी हवा है और भाई ऊपर से तो क्या ही बर्फ गिर रही कंटिन्यूस। बट भाई ये सूरज दिख रहा है, बट भाई ये सूरज कैसे काम कर रहे हैं आज? इस सूरज की वजह से भाई बर्फ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा यार। वैसे गाइस तुम लोग देखो ना भाई, क्या ही बढ़िया दिख रहा है भाई अपना लॉस सेंटर्स बर्फ के अंदर ढका हुआ। भाई मजा आ गया यार। वैसे चलो भाई, बहुत देर हो गया भाई मैं लॉस सेंटर्स को देखे जा रहा हूँ। एक काम करते हैं, नीचे चल के भाई सिंचर और चौप के साथ भाई स्नोबॉल से खेलते हैं। चलो चलो पहले तो चलते हैं। एक सेकंड, अबे ये क्या भाई, मेरे घर के अंदर भी बर्फ जम गई। अबे यार मुझे लगा कि भाई साहब बस भाई लोगों के घर के अंदर भाई बहुत सारी बर्फ जमी होगी, बट भाई मेरे घर के अंदर भी भाई साहब तुम लोग देख रहे हो कितनी सारी बर्फ जमी पड़ी है। अब भाई इसको हटाने में भाई साहब बहुत ज्यादा मेहनत लग जाएगी यार। अबे पर वो सब छोड़ो भाई, पहले तो भाई इंजॉय कर रहे हैं। पहले तो भाई रुको यार, बहुत सारे स्नोबॉल्स बनाता हूँ और फिर जाकर सीधा सिंचर और चौप पर फेंक कर मारेंगे, फिर तो गाइस मजा आने वाला है। लेट्स गो गाइस, मैंने स्नोबॉल तो ले लिया, अभी चलते हैं भाई फटाफट से सिंचर को फेंक कर मारते हैं। वैसे गाइस यार मैंने जो स्नोबॉल बनाई भाई साहब बड़ी ठंडी है यार ये बर्फ, भाई साहब मजा आ रहा है वैसे तो। आओ भाई चला, ये देखो ये रहा सिंचन, ये मारा फेंक के। फेंकी पे बर्फ क्यों फेंक के मार रहे मुझे? हां भाई सिंचन, आज तो भाई कितनी तगड़ी वाली बर्फ गिरी है। आजा भाई मेरे साथ स्नोबॉल खेलो। अब अब भाई कल मेरे ऊपर मत मार भाई, ठंड लग जाएगी मुझे। अबे हां भाई ठंड लगने दे, कुछ भी लगने दे भाई, मैं तो भाई तुम्हारे ऊपर भाई ये स्नोबॉल फेंक कर ही मारने वाला हूं। अरे नहीं यार फेंकी पे प्लीज मत मारो यार। अरे चल भाई ये ले भाई और फेंक कर मारूंगा। प्लीज यार फेंकी पे मत मारो यार, ठंड लग जाएगी मुझे। अरे भाई मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो भाई तुम दोनों के ऊपर एकदम तगड़े वाले स्नो फेकर मारने वाला हूँ यार। फेंकी भाई रुक जाओ ना, प्लीज मत मारो। अच्छा ठीक है यार भाई, तू भी क्या याद रखेगा। वैसे बताओ भाई क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पर? फ्रैंकली भाई ये देखो ना यार, चौप के बच्चे ने मेरी आरसी कार खराब कर दी। अबे क्या भाई चौप, तेरा तो हर बार का हो गया यार, तू हर बार भाई सिंचन की आरसी कार खराब कर देता है। अब भाई कल मैं क्या करूँ यार, गलती से पानी के अंदर गिरा दी। अबे हर बार गिराता साले तू पानी के अंदर। ये ले भाई ये खा स्नो बॉल्स। अब भाई कल मैं प्लीज मत मार भाई, ठंड लग रही मुझे। अच्छा ठीक है यार, और खा भाई। अब भाई प्लीज मत मार यार। अच्छा ठीक है यार। वैसे बता भाई चौप, तुझे क्या छून मची थी भाई ये सिंचन की आरसी कार खेलने की? अब भाई कल मैं तो बैठे बैठे बोर हो गया था, तो भाई मैंने सोचा चलो भाई सिंचन की आरसी कार के साथ खेल लेते हैं। तो भाई तूने खेल लिया? बिल्कुल भाई कल मैंने तो एकदम मस्त तरीके से खेल लिया। बट भाई आखिर में जब मैं रखने जा रहा था तब भाई मेरा पैर फिसल गया भाई बर्फ के ऊपर से, और भाई मैं भी और भाई आरसी कार भी ठंडे पानी के अंदर गिर गए। क्या बात कर रहे हैं भाई, तू इतने बर्फ में भाई ठंडे पानी में गिर गया? बिल्कुल भाई कल भाई साहब तब से जुकाम हो गया मुझे। अबे क्या भाई चौप तू भी यार। अब भाई बता यार सिंचन की आरसी कार हम लोग कैसे ठीक करें? कोई तो यार फेंकी भाई, अभी मैं भी सोच रहा हूँ किस तरीके से हम लोग अभी इस आरसी कार को ठीक करेंगे। ये देखो ना यार, इसके अंदर से सीधा धुआं नहीं लग गया। अबे हाँ भाई इस आरसी कार के अंदर से अब तो धुआं आ रहा है। अब भाई क्या करे? अब यार मुझे तो लगता है फ्रैंकली भाई हमें एक नई आरसी कार खरीदनी पड़ेगी। अबे क्या कहा नई आरसी कार? अबे सिंचन पागल है, तुझे पता है ना भाई आरसी कार कितनी महंगी है? अरे हाँ वो तो मुझे भी पता है, पर यार अभी क्या कर सकते फ्रैंकली भाई, मुझे तो नई आरसी कार चाहिए। अगर मेरे पास आरसी कार नहीं हुई ना, मेरे दोस्त मेरे साथ खेलते नहीं है। अबे क्या भाई सिंचन तू भी, चल एक काम करते भाई, अगले हफ्ते में तुझे एक नई आरसी कार दिलाई दूंगा मैं। अच्छा ठीक है फ्रैंकली भाई, वैसे यार आप कर क्या रहे हो अभी? मैं तो कुछ नहीं भाई सिंचन, मैं तो सोच रहा था भाई चलो तुम लोग के साथ भाई स्नोबॉल से खेल लिया जाए। यार तुमने वापिस से मारा? अबे वो तो बस ऐसे ही मारा। हाँ तो चलो फ्रैंकली भाई एक काम करते, आप तो घर में फ्री हो ना, तो कहीं बाहर चलते घूमने के लिए। हाँ बाहर भाई इतने ठंड में? अरे हाँ चलो चलो भाई साहब, कहीं कैंपिंग करने जाएंगे ठंड के मौसम में। अबे नहीं भाई छोड़ना सिंचन, घर में बैठकर भाई स्नोबॉल से खेलेंगे। नहीं यार फ्रैंकली भाई कहीं बाहर ही चलते घूमने के लिए। अरे नहीं भाई सिंचन घर में बैठेंगे। नहीं नहीं बाहर चलेंगे। नहीं भाई सिंचन घर में बैठेंगे हम लोग। नहीं नहीं बाहर चलेंगे यार। अब चुप बैठो भाई, झगड़ा मत करो तुम दोनों। अबे वही तो भाई, ये सिंचन बिना झगड़ा कर रहा है भाई, इतने खतरनाक से मौसम में कौन ही जाना चाहेगा बाहर? और ये सिंचन भाई कैंपिंग के लिए जाना चाहता है यार। चलो फ्रैंकली भाई प्लीज यार, मुझे बड़ा मन कर रहा बाहर घूमने जाने का। अरे रुक जा भाई सिंचन एक सेकंड यार, ये किसका फोन आ रहा है मुझे? रुको गाइस देखता भाई ये कौन कॉल कर रहा है भाई मुझे। अबे ये क्या भाई, ये तो साइमन है, ये क्यों कॉल कर रहा है मुझे? अबे यार ये तो दिमाग खराब कर देता है यार भाई, कभी चोरी का प्लान बनाता कभी ये कभी वो। रुको भाई उठा कर देख लेता हूँ भाई, इतने ठंड के मौसम में तो भाई मैं बाहर नहीं जाने वाला। फिर भी देखते भाई ये क्या बोलते हैं, और भाई उसको तो मैं सीधा मना कर देने वाला हूँ। रुको भाई पहले तो उठा दो इसका कॉल। हेलो भाई साइमन बोल यार, क्या हो गया? अरे यार फ्रैंकली तुम कैसे हो? अरे मैं तो एकदम बढ़िया हूँ यार। वैसे यार फ्रैंकली तुम एक काम करोगे मेरा? अरे नहीं भाई मुझे आज तेरा कोई काम नहीं करना। तो एक काम कर भाई, तेरे किसी दोस्त को बोल दे भाई काम करने के लिए। अरे इसीलिए तो तुम्हें कॉल किया, तुम मेरे दोस्त ही तो। अरे नहीं भाई मुझे नहीं करना तेरा काम भाई, आज एकदम बढ़िया मौसम हुआ है और भाई मैं घर में बैठकर मजे करने वाला हूँ। अरे फ्रैंकली मेरी बात तो सुनो यार। अच्छा बोल भाई क्या हो गया? भाई अगर कोई घिसा पिटा काम होगा ना भाई मैं तेरा फोन काट दूंगा सीधा। अरे कोई घिसा पिटा काम नहीं, एकदम बढ़िया काम है तुम्हारे लिए। अच्छा एकदम बढ़िया काम, बता भाई ऐसा कौन सा काम है जो कि भाई तुझे भी पसंद आ गया? अरे हाँ सुनो मेरी बात, तुम्हें पता है लॉस सैंटोस के गवर्नमेंट ने यार आज एक नया वाला गोल्ड का हेलीकॉप्टर खरीदा है। अबे क्या कहा भाई, गोल्ड का हेलीकॉप्टर? बिल्कुल यार, लॉस सैंटोस के गवर्नमेंट ने आज ही पूरे के पूरे 100 करोड़ का गोल्ड का हेलीकॉप्टर खरीद लिया है। अरे वाह भाई ये तो एकदम बढ़िया न्यूज है। अरे बिल्कुल यार फ्रैंकलिन एकदम बढ़िया न्यूज है, बट यार तुम्हें पता है मेरा एक दोस्त है माफिया है, वो तो दूसरे शहर का, उसने मुझे आज सुबह कॉल किया और यार उसको वो गोल्ड का हेलीकॉप्टर अभी क्या भी चाहिए। तो भाई उसको बोलते ना यार लॉस सैंटोस के गवर्नमेंट से खरीदने के लिए। अरे नहीं यार खरीद नहीं सकते ना। ऐसा क्यों भाई, क्यों नहीं खरीद सकता वो? क्योंकि यार लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट उसको नहीं बेचने वाली। हाँ तो भाई उसको बोल देना कहीं और से खरीदने के लिए। अरे नहीं यार लॉस सैंटोस के गवर्नमेंट
ने सभी वर्कर्स को मना कर दिया आइंदा से कभी कोई गोल्ड का हेलीकॉप्टर नहीं बनाएगा। अबे ये क्या हो रहा है भाई लॉस सैंटोस के गवर्नमेंट को, उनको क्या दिक्कत है भाई, कोई भी बनाए भाई गोल्ड का हेलीकॉप्टर। अरे हाँ हाँ तुम्हारी बात तो सही है, बट यार लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट चाहती है लॉस सैंटोस के अंदर बस उन्हीं के पास एक गोल्ड का हेलीकॉप्टर हो। अच्छा ऐसी बात है, बिल्कुल यार फ्रैंकलिन, तो मेरा वो दोस्त माफिया चाहता है कि यार तुम जाकर उस गोल्ड का हेलीकॉप्टर को चुरा कर लाओ। क्या मैं? बिल्कुल फ्रैंकलिन, वो चाहता है कि तुम जाकर उसको चुरा कर लाओ, उसके बदले भाई मुझे क्या मिलेगा ठेंगा। अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन, उसके बदले वो तुम्हें देगा पूरे के पूरे 20 करोड़ रुपए। क्या बात कर रहा है भाई 20 करोड़? बिल्कुल, वो तुम्हें पूरे के पूरे 20 करोड़ रुपए देने वाला है अगर तुम उस हेलीकॉप्टर को एकदम सही सलामत लाते हो तो। अबे भाई पर तुझे पता है ना लॉस सैंटोस के आर्मी के पास हो, और भाई आर्मी वाले तो कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। अरे हाँ फ्रैंकलिन तुम्हारी बात तो सही है, तुम एक काम करो फटाफट से मेरे शोरूम पे आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देता हूँ गन्स हथियार वथियार खरीदने के लिए। वैसे भी यार तुम्हें पता ही होगा कि यार पिछली बार तुमने जो गोल्ड की बाइक चुराई थी मेरे कहने पे, वो टाइम पे तो तुमने स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल किया ही था। हाँ भाई वो तो मैंने किया था यार, बट भाई ये लॉस सैंटोस के आर्मी वाले भाई साहब ये तो एकदम खतरनाक होते हैं। अरे हाँ हाँ फ्रैंकलिन तुम फिक्र मत करो यार, तुम पहले काम करो फटाफट से मेरे पास आ जाओ, मेरे पास से कुछ पैसे ले लो और यार जाकर कुछ हथियार वथियार खरीद लो। अच्छा ठीक है भाई मैं आता हूँ, अगर भाई मुझे कुछ हुआ ना भाई तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे फ्रैंकलिन तुम फिक्र मत करो, तुम एकदम आराम से छुड़ा लोगे उसको। अच्छा ठीक है यार, चल भाई मैं रखता हूँ। अरे ठीक है चलो गाइस, एक बढ़िया वाला प्लान तो बन गया आज के दिन के लिए। बट यार मैं नहीं चाहता था कि भाई साहब आज के दिन तो भाई मैं घर के बाहर जाऊँ, और छोड़ो भाई मुझे पूरे के पूरे 20 करोड़ मिलने वाले भाई एक चोरी करने के। भाई 20 करोड़ में तो मैं क्या ही महंगी वाली गाड़ी ले लूंगा भाई, 20-20 गाड़ियां ले सकता हूँ मैं। बट यार एक काम करते हैं, पहले तो भाई कुछ गर्मी वाली कपड़े पहनते हैं, मतलब यार स्वेटर वेटर टाइप यार, नहीं तो भाई इतने ठंड में भाई ऐसे भाई मुझे सर्दी लग जाएगी यार। बट आओ गाइस पहले तो भाई चलते भाई एकदम बढ़िया वाले कपड़े पहनते हैं, फिर चलते भाई बड़ा से साइमन के शोरूम पे। ऑलराइट गाइस देख रहे हो भाई मैं एकदम बढ़िया तरीके से रेडी हो चुका भाई अपनी चोरी एग्जीक्यूट करने के लिए। बट भाई अंदर कैसे जाऊंगा यार मैं मिलिट्री बेस के, वो तो मुझे भी नहीं पता, चलो भाई वहां पर जाकर देख लेंगे। अरे फैंकी भी हमें भी ना बताए कहाँ जा रहे हो तुम। अरे कुछ नहीं भाई सिंचन, एक बढ़िया सी चोरी करने जा रहा हूँ। क्या कहा चोरी? बिल्कुल भाई सिंचन, मैं आज जो चोरी करने वाला हूँ ना उसके बदले भाई मुझे पूरे पूरे 20 करोड़ मिलने वाला है। क्या कहा 20 करोड़? यार ये तो बहुत ज्यादा होते। बिल्कुल भाई सिंचन तूने सही कहा भाई, पूरे पूरे 20 करोड़ मिलने वाला है। अबे पर भाई कल ऐसी कौन सी चोरी करने जा रहा है तू? अबे भाई मैं जा रहा हूँ भाई एक बढ़िया वाला गोल्ड का हेलीकॉप्टर चोरी करने के लिए। क्या कहा भाई गोल्ड का हेलीकॉप्टर? भाई साहब वो तो बड़ा महंगा होगा। बिल्कुल भाई लॉस सैंटोस के आर्मी ने उसको पूरे पूरे 100 करोड़ में बनाया। क्या कहा लॉस सैंटोस के आर्मी ने? बिल्कुल भाई मैं जा रहा भाई मिलिट्री बेस में चोरी करने के लिए, यार वहाँ तो बहुत ज्यादा खतरा होगा। हाँ भाई सिंचन तूने बिल्कुल सही कहा यार, बट भाई साइमन के पास एकदम बढ़िया वाला प्लान है भाई, वहाँ पर जाकर वो मुझे पूरा पूरा प्लान बता देगा। अच्छा ठीक है फ्रैंकली, अब बाद में तो मुझे एक बढ़िया वाली सुपर कार तो दिलाओगे ना? बिल्कुल भाई सिंचन, 20 करोड़ में तो भाई साहब 20-20 सुपर कार आ जाएंगी। हाँ तो जाओ यार पड़ा से चुरा कर लेके आओ, और यार बाद में हम लोग चलेंगे एकदम बढ़िया वाली सुपर कार खरीदने के लिए। बिल्कुल भाई सिंचन तूने सही कहा, बट भाई अभी तो मैं जाऊँ ना। अरे हाँ यार बिल्कुल जाओ यार, और यार ऑल द बेस्ट चोरी करने के लिए। अरे थैंक यू सो मच भाई सिंचन। चलो गाइस चलते फटाफट से भाई एकदम बढ़िया वाली चोरी करने के लिए, और भाई आज तो मजा आने वाला यार। बट वैसे गाइस चलो यार फटाफट से भाई चलते साइमन के शोरूम पे। भाई साहब यहाँ पर रुक के मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और यार गाइस आपको तो पता ही होगा कि भाई साहब मैं अपने वीडियो के अंदर आप सभी को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट देते रहता हूँ। तो गाइस यार आज मैं वापस से आप सभी को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट देने वाला हूँ। तो गाइस यार आज का हमारा पहला शाउट आउट जाता है अपने ध्रुव भाई को, इनका बर्थडे आता है 13 अक्टूबर को। तो ध्रुव भाई आपका बर्थडे आने के लिए अभी बहुत ज्यादा टाइम है, फिर भी यार मेरे यार सिंचन की तरफ से आपको एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट यार। एंड गाइस अपना अगला शाउट आउट जाता है अपने प्रशांत भाई को, इनका बर्थडे आता है 17 नवंबर को। प्रशांत भाई आपका बर्थडे भी भाई साहब बड़ा लेट आने वाला है, फिर भी यार आपको मेरे यार सिंचन की तरफ से हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, और यार एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट। और यार गाइस अपना आखिरी शाउट आउट जाता है अपने भरत भाई को, इनका बर्थडे आता है 7 सितंबर को। तो भरत भाई आपका भी बर्थडे भाई साहब बड़ा लेट आने वाला है, फिर भी यार भरत भाई आपको यार मेरे यार सिंचन की तरफ से एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे, और यार एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट। और यार गाइस आपको भी मेरे वीडियो के अंदर ऐसा शाउट आउट चाहिए तो गाइस यार एक काम कर देना पड़ा, इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। हां गाइस यार पड़ा इस वीडियो को लाइक कर देना, और यार साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और यार कमेंट के अंदर अपना नाम और आपकी बर्थडे जरूर लिखना, या फिर आपका नाम भी लिख दोगे तो भी यार आपको एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट जरूर मिलेगा। अभी तो चलते हैं गाइस फटाफट से साइमन के शोरूम पे, और भाई जाकर एग्जीक्यूट करते हैं अपनी बढ़िया वाली चोरी, लेट्स गो। वैसे गाइस हम लोग ये देखो भाई लॉस सैंटोस के अंदर भाई बर्फ गिरने और भी चालू हो गई यार, ये देख रहे हो भाई क्या ही खतरनाक मौसम हो गया अब तो। पर छोड़ो भाई, वैसे भी यार अभी मैं पहुंचने वाला भाई साइमन के शोरूम पे, ये देखो गाइस ये रहा साइमन का शोरूम। अभी तो चलते भाई फटाफट से अंदर, लेट्स गो। और भाई चलते मिलते भाई फटाफट से साइमन के पास, ये देखो यार ये रहा साइमन, लगता है भाई अपने नौकर से काम करवा रहा है। हेलो भाई साइमन कैसा है तू? अरे यार फटाफट से अपना हाथ चलाओ यार, गाड़ियों को साफ करो। अरे भाई साइमन मैं आ गया। अरे यार फ्रैंकलिन तुम आ गए? बिल्कुल भाई मैं आ गया, बता भाई क्या प्लान है तेरा? थोड़ा साइड में आ जाओ फ्रैंकलिन। अच्छा बता भाई क्या हो गया? चलो गाइस मुझे लगता है साइमन का भाई प्लान पूरा पूरा रेडी है, अब भाई फटाफट से वो प्लान पूछ लेते हैं। बता भाई साइमन क्या प्लान है तेरा? अब फ्रैंकलिन मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनो, वहाँ पर पीछे देखो मैंने एक स्कूटी ला कर रखी है पिज्जा बॉय की। अच्छा वो वाली? अच्छा भाई दिखा कौन सी है? अरे मेरी बात तो सुन लो पहले। अरे हाँ भाई इधर आके बता दे मुझे। अच्छा ठीक है आता हूँ, रुको पता नहीं है फ्रैंकलिन बिना। अच्छा बोल भाई क्या काम है? इस बैग के अंदर एक डिलीवरी बॉय के कपड़े रखे हुए हैं, उनको यार फटाफट से पहन लो और यार जाओ सीधा मिलिट्री बेस में। और भाई आगे क्या करना है? उसके बाद में तुम्हें गेट के ऊपर बताना है कि तुम एक डिलीवरी बॉय हो, और यार उसके बाद में तुम्हें
में सीधा एंट्री मिल जाएगी। फिर यार अंदर बोल देना कि मुझे कर्नल से मिलना है, और यार सीधा कर्नल के पास चले जाना, और यार चाहिए तो कर्नल को मार दो या फिर कर्नल को बिना मारे चले जाओ उस गोल्ड के हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए। और यार जैसे ही तुम्हें वो गोल्ड का हेलीकॉप्टर दिख जाए उसके बाद में सीधा बैठ कर वहां से रफू चक्कर हो जाना। अबे भाई तुझे क्या इतना सिंपल लगता है क्या? तुझे क्या लगता है भाई गोल्ड का हेलीकॉप्टर उन्होंने ऐसे ही रखा होगा? अरे हाँ हाँ तुम्हारी बात तो सही है, इसलिए मेरे पास और एक प्लान है। बता भाई और एक कौन सा प्लान है तेरे पास? तुम्हें यार मैं कुछ पैसे देता हूँ, तुम जाकर यार कुछ स्मोक बॉम्ब खरीद लो, और यार चाहिए तो कुछ गन्स भी खरीद लेना। अगर यार वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी हुई प्लेन के पास तो एक काम कर देना, वहाँ पर बहुत सारा स्मोक बॉम्ब डाल देना और यार सारे के सारे आर्मी वालों को बेहोश कर देना, और यार उस हेलीकॉप्टर को लेकर सीधा उस बंद पड़े हुए एयरपोर्ट के ऊपर आ जाना। कौन सा भाई? अरे वो है ना पलिटो बे की तरफ। अच्छा वो बंद पड़ा हुआ एयरपोर्ट? बिल्कुल यार वहाँ पर लेकर आ जाना, वहाँ पर मैं तुम्हारे 20 करोड़ लेकर तैयार रहूंगा। अच्छा ठीक है भाई, वैसे भाई फटाफट से मुझे पैसे दे दे भाई, मैं लेकर आ जाता हूँ भाई गन्स। अच्छा ठीक है ये लो फ्रैंकलिन पैसे। अरे थैंक यू सो मच भाई, चल भाई मैं पहले तो आता भाई गन्स खरीद के। अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन। तो चलो गाइस साइमन ने तो हमें सारा का सारा प्लान बता दिया है, बस भाई ये प्लान एकदम बढ़िया तरीके से वर्क करे यार, भाई वही होप रखता हूँ मैं। बट चलो भाई यहाँ पर एक एम्यूनिशन शॉप है, पहले तो चलकर भाई यहाँ से कुछ पिस्टल खरीदते हैं या फिर भाई कोई और बढ़िया वाली गन खरीदेंगे। अबे चलो ना भाई अंदर जाकर देखेंगे, और भाई साथ साथ भाई कुछ स्मोक बॉम्ब भी खरीद लेंगे जो कि भाई आज हमारे प्लान में मदद करने वाला है। तो गाइस चलो यार मैं मिलता हूँ आप सभी से एकदम बढ़िया वाली शॉपिंग करके। तो फाइनली गाइस यार मैंने भाई पूरी शॉपिंग कर ली। रुको भाई मैं आप सभी को दिखाता हूँ बड़ा अच्छा। ये देखो गाइस यार मैंने एक ये रेल गन खरीदी है जिससे भाई साहब मैं एकदम खतरनाक वाले धमाके कर सकता हूँ। एक बार करके दिखाओ क्या? रुको भाई अभी दिखाता हूँ। ये क्या? ओ भाई देख रहे हो ये इंसान सीधा भाई हवा में उड़ गया। अब भाई इसके एमो ज्यादा वेस्ट नहीं करते। और ये देखो भाई मैंने कुछ 25 स्मोक बॉम्ब खरीद लिए जिससे कि भाई साहब वो सभी लोग भाई बेहोश हो जाएंगे इसको सूंघने के बाद। अभी तो चलो गाइस एक काम करते फटाफट से, भाई जाकर अपने वो डिलीवरी बॉय के कपड़े पहनते हैं, फिर भाई चलेंगे भाई एकदम बढ़िया वाली चोरी करने के लिए। भाई आज तो मजा आने वाला है। गाइस यार मैं तो सोच के पागल हो रहा हूँ कि भाई एक चोरी के बदले मुझे पूरे 20 करोड़ मिलने वाले। ओह भाई ये तो एकदम बढ़िया प्लान है। बट चलो भाई पहले तो चल के एकदम बढ़िया तरीके से कपड़े पहनते हैं। अरे फ्रैंकलिन तुम आप भी गए? बिल्कुल भाई मैं आप भी गया, आप रुक जाओ भाई फटाफट से अपने कपड़े पहन लेता हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल पहन लो यार। तो फाइनली गाइस यार देख रहे हो मैं एकदम बढ़िया तरीके से डिलीवरी बॉय लग रहा हूँ ना। ओह भाई मजा आ गया। तो चलो भाई साइमन मैं चलता हूँ भाई तेरा ये प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल फ्रैंकलिन ऑल द बेस्ट यार। अरे हाँ भाई चल मैं निकलता हूँ। अरे हाँ फ्रैंकलिन थोड़ा जल्दी आ जाना। अरे हाँ भाई पहले चोरी तो कर रहे थे मुझे। अच्छा ठीक है यार। तो चलो गाइस अभी चलते भाई फटाफट से स्कूटी को लेकर भाई मिलिट्री बेस की तरफ, और भाई जाकर चुराते उस गोल्ड का हेलीकॉप्टर को। बट गाइस मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक कभी देखा नहीं है कि भाई गोल्ड का हेलीकॉप्टर कैसे होता है। भाई इससे पहले मैंने गोल्ड की बाइक की चोरी की थी भाई बीच की तरफ से, वो तो भाई मुझे अच्छी तरीके से याद है। बट भाई मुझे ये गोल्ड का हेलीकॉप्टर चुराना है, वो भी भाई लॉस सेंटर्स के आर्मी की तरफ से। भाई ये प्लान एकदम खतरनाक होने वाला है। बट भाई इस चोरी को करते वक्त भाई मजा तो भाई बहुत ज्यादा आने वाला है। गाइस यार इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, भाई आपको भी भाई साहब बहुत ज्यादा मजा आएगा। अबे यार पागल है क्या? वैसे गाइस मैं बोल रहा था कि आपको भी यार बहुत ज्यादा मजा आएगा, और गाइस आप लोग भी एक्साइटेड हो भाई साहब उस गोल्ड के हेलीकॉप्टर चुराने के लिए। तो गाइस यार जाओ यार फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। हां गाइस कर देना फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब। अभी तो चलते गाइस, अभी तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलते भाई फटाफट से मिलिट्री बेस की तरफ, और भाई चुराते उस गोल्ड के हेलीकॉप्टर को। तो चलते फटाफट से लेट्स गो। मैं तो गाइस बस पहुंचने वाला भाई मिलिट्री बेस, यहां से बस भाई लेफ्ट मारना है। बट यार गाइस मुझे अभी थोड़ी बहुत घबराहट हो रही है कि भाई मैं गेट के ऊपर क्या बोलूंगा यार उस गार्ड को। चलो भाई वहीं पर जाकर सोच लेंगे। बट यार भाई साइमन ने तो मुझे बताया नहीं कि भाई मुझे क्या बोलना है। बट चलो गाइस कोई बात नहीं, भाई साहब हिम्मत करके आज भाई सीधा मिलिट्री बेस के अंदर घुस जाएंगे, और भाई करेंगे एकदम खतरनाक वाली चोरी। और यार ये देखो भाई मैं पहुंच गया, पर भाई अभी अंदर कहाँ से जाना है बे? अबे रुको भाई चल कर देख लेते, लेट्स गो। यहाँ से जाना है क्या भाई अंदर? रुको भाई चलते हैं। अरे कौन सी आवाज आई यार गेट के पास से? रुको यार अभी जाकर देखता हूँ। हेलो भाई कौन आ गया? अरे ओ भाई साहब तुम कौन हो, यहाँ पर क्या करो गेट के पास? भाई मैं तो एक डिलीवरी बॉय हूँ, मैं तो यहाँ पर भाई पिज्जा डिलीवरी करने के लिए आया था। अरे नहीं नहीं तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते, तुम्हारे पास किसी की परमिशन है? भाई परमिशन? भाई परमिशन तो नहीं है मेरे पास। अरे तो कैसे अंदर जा सकते हो तुम यहाँ से? वैसे भी यार तुम्हारे लिए अभी ये गेट में खोल नहीं सकता, तुम एक काम करो निकलो यहाँ से। अरे पर भाई अब मैं ये पिज्जा बहुत ज्यादा दूर से लेकर आया यार, भाई मैं ऐसे नहीं जा सकता। अरे नहीं नहीं मैंने एक बार कहा ना तुम्हें जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, हमें अलाउड नहीं है किसी को अंदर छोड़ने के लिए। अगर तुमने ज्यादा जिद की तो यार मेरे पास परमिशन भी है तुम्हें मारने की। क्या मारने की? अरे बिल्कुल यार तुम एक काम करो फटाफट से अपने पिज्जा लो, अरे घर पे जाके खुद ही खा लो, यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं पिज्जा वीजा खाने के लिए। अब भाई पर मुझे कर्नल ने कॉल करके बुलाया था। क्या कर्नल ने? बिल्कुल भाई कर्नल ने कॉल करके बुलाया था। अच्छा ठीक है यार, वैसे तुम मुझे एक काम करो अपना आईडी कार्ड दिखाओ। क्या आईडी कार्ड? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अभी कंफर्म करना है कि तुम सच्चे में एक पिज्जा वाले हो या फिर नहीं। अबे पर भाई मेरे पास तो आईडी कार्ड नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं है भाई मेरे पास आईडी कार्ड है। तो बताओ कहाँ पर है तुम्हारा आईडी कार्ड? अबे वो तो भाई आज घर पर ही रह गया। अरे क्या घर पर रह गया, पागल हो क्या? ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकता फिर मैं तुम्हें अंदर। तुम्हें एक काम करो पहले आईडी कार्ड लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें अंदर छोड़ूंगा। अबे प्लीज भाई छोड़ दे, मेरा काम है यार भाई, मुझे और भी डिलीवरी करनी है। अरे नहीं मैंने एक बार कहा ना नहीं छोड़ सकता। अबे क्या भाई तू भी? अरे हाँ मैंने एक बार कहा ना नहीं तो नहीं, चलो निकलो यहाँ से। अच्छा ठीक है भाई जा रहा हूँ यार, पता नहीं कहाँ से आ गए। चलो एक काम करता फटाफट से अपना टिफिन खा लेता आप तो। और तुम जा रहे हो? अरे भाई जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अबे यार ये साइमन ने
कहा था कि भाई मुझे ऐसे एंट्री मिल जाएगी भाई पिज्जा के नाम से, पर भाई मुझे एंट्री नहीं मिली यार। अब भाई मैं कहां से जाऊंगा अंदर यार, गाइस तुम लोग देख रहे हो वो तो भाई लिटरली मुझे अंदर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा यार। अरे वहां का जा रहा तुम? अरे भाई कुछ नहीं, यहां से बस हल्का होने के लिए आया मैं। अच्छा ठीक है। अब भाई यार अब मैं क्या करूं भाई, कैसे जाऊंगा अंदर मैं? रुको भाई यहां से कोई रास्ता है क्या? अबे चलो भाई चल कर देख लेते हैं, अगर भाई यहां से रास्ता बना तो भाई मजा आ जाएगा। वैसे गाइस ये देखो भाई यहां से भाई सब कितनी सारी जालियां लगी पड़ी यार, यहां से कैसे जाऊंगा अब मैं अंदर? अबे यार ये कहां फंसा दिया भाई साइमन के बच्चे ने, इसने तो भाई सब मुझे कोई और प्लान भी नहीं बताया कि जिससे मैं आज एग्जीक्यूट कर सकूं। चलो गाइस एक काम करते हैं, यही कैसे भाई अंदर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, अगर भाई रास्ता मिल गया ना भाई मजा आ जाएगा। बट पहले तो चलो गाइस चलते हैं, लेट्स गो भाई, कोई तो रास्ता मिल जाए। बटर गाइस मैं तो सोच रहा था कि भाई उसके पास एक भी हथियार नहीं है, तो चलो गाइस एक काम करते हैं, वैसे भी भाई साहब मैं एक चोरी करने ही वाला हूं, उसको भी भाई साहब बाहर बुलाकर मार के बेहोश कर दूं। अबे हां भाई लगता तो ऐसा ही है, बट भाई अगर पकड़ा गया ना दिक्कत हो जाएगी। पर चलो भाई डरते हैं क्या, चलो भाई अभी जाकर उसको मार के बेहोश करता हूं और फिर गाइस सीधा वहां से घुसेंगे अंदर की तरफ। फिर तो भाई आसानी से भाई मैं उस हेलीकॉप्टर को चुरा सकता हूं। बट यार गाइस पहले तो भाई एंट्री मिलना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है, बस भाई एकदम बढ़िया वाली एंट्री मिल जाए भाई अंदर जाने के लिए, फिर तो भाई बड़ा मजा आ जाएगा यार। तो चलो गाइस एक काम करते फटाफट चलते भाई गेट की तरफ और भाई जाकर सीधा उस पहले वाले आर्मी वालों को भाई एक ही भाई घूसा मारते सर में और भाई सीधा बेहोश कर देंगे उसको। तो फिर तो गाइस एकदम आसानी से अंदर चले जाएंगे। बट चलो गाइस यहां से राइट मारना है और भाई अब मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं वापस क्यों आया हूं? अबे चलो भाई सीधा अंदर घुस जाऊंगा उसके पास बात करने के लिए, उसको तो लगेगा कि भाई साहब आईडी कार्ड दिखाने के लिए आ गया। हाँ भाई चलो आईडी कार्ड का बहाना देता हूं, अल्लाह भाई मैं वापस आ गया। अरे पर क्यों आए तुम वापस? अरे मैं तो भाई बस अपना आईडी कार्ड दिखाने के लिए आ गया। अरे आप कहां से आ गया, तुम्हारे पास आईडी कार्ड? अरे वो तो भाई मैं भूल गया था मेरे जेब में था। अच्छा दिखाओ कहां पर तुम्हारा आईडी कार्ड। अच्छा रुक जाओ भाई अभी दिखाता हूं, साले तू मुझे रोकेगा अंदर जाने से? अरे मुझे मारा तुमने, रुको अभी तुम्हें बता रहा हूं। अरे तू क्या बताएगा साले, यहां पर अंदर पड़ा रहे भाई तू, अब मेरा दिमाग बहुत खराब कर। चलो गाइस अब एक काम करते हैं, फटाफट से स्कूटर को लेकर चलते भाई लैड्स को अंदर और भाई सीधा ढूंढते उस गोल्ड के हेलीकॉप्टर को जो कि भाई लॉस सेंटोस के आर्मी ने बना कर लिया है। और भाई वो लोग नहीं चाहते कि और किसी के पास भी हो यार वो वाला हेलीकॉप्टर। बट ये देखो गाइस यहां से अंदर जाने की एंट्री है। अरे चलो भाई यहां से चलते अंदर लैड्स को गाइस, अगर गाइस मुझे यहां पर किसी ने देख लिया ना भाई एकदम खतरनाक वाला सीन हो जाएगा। बट यहां पर देखो भाई एक आर्मी का ट्रक है, रुको भाई इसी को लेकर चलते हैं। भाई मेरे ऊपर फिर तो भाई कोई शक भी नहीं करेगा जब तक भाई वो मेरे कपड़े ना देख ले। बट पहले तो चलो भाई फटाफट से इसको मैं स्टार्ट करता, होता या नहीं स्टार्ट रुको भाई देखते हैं एक सेकंड। इसके वायर तोड़नी पड़ेगी, ये हो गया भाई स्टार्ट। लेट्स गो गाइस, तुम लोग देख रहे हो भाई क्या नसीब साथ दे रहा आज मेरा। ओ भाई क्या सही हो रहा है भाई, मैंने तो इस ट्रक को भी चुरा लिया। अब चलते हैं गाइस पूरा मिलिट्री बेस छान मारते हैं, देखते हैं भाई जा कहीं पर भी वो गोल्ड का हेलीकॉप्टर रखा होगा ना भाई, उसको अभी क्या अभी लेकर भाई चलेंगे सीधा उस बंद पड़े हुए एयरपोर्ट के ऊपर जहां पर भाई साइमन मेरा इंतजार कर रहा है। अब गाइस ढूंढते हैं वो गोल्ड का हेलीकॉप्टर, यहां पर है क्या भाई अंदर? यहां पर रखा तो नहीं लगता, नहीं भाई यहां पर तो नहीं है भाई वो गोल्ड का हेलीकॉप्टर। तो भाई इन्होंने ऐसा कहां पर रखा है वो? अबे रुको भाई वहां पर भी बहुत सारी जगह है, वहां पर जाकर ढूंढते हैं। वैसे ये देखो गाइजर यहाँ पर भी भाई साहब क्या ही खतरनाक वाले आर्मी के प्लेन्स है जो कि भाई वॉर के टाइम पे यूज होते हैं। भाई ये तो एकदम बढ़िया लग रहा है यार, साइमन का ये नहीं चाहिए क्या? उसके तो बस भाई एक गोल्ड का हेलीकॉप्टर चाहिए। यहाँ पर देखो भाई एक नॉर्मल सा हेलीकॉप्टर है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे लगता है भाई यहाँ पर अंदर रखा होगा क्या? अबे रुको भाई यहाँ पर अंदर भी देखने दो, यहाँ पर है क्या भाई? अबे नहीं भाई यहाँ पर अंदर भी नहीं है, एक सेकंड। अरे वो देख रहे हो गाइस, ये रहा भाई साहब वो गोल्ड का हेलीकॉप्टर और भाई इसके चारों तरफ देखो भाई क्या ही खतरनाक वाली सिक्योरिटी है। मुझे लगा ही था गाइस यार ये सब हो सकता है। अब रुको एक काम करते गाइस, यहाँ पर जल्दी से बहुत सारे स्मोक बॉम्ब कर देता हूँ और भाई लेकर चलेंगे फटाफट से हेलीकॉप्टर को यहाँ से। पहले तो भाई अपने स्मोक्स निकालता हूँ, लैट को कहाँ पर गए? हाँ ये रहा भाई अपना स्मोक। अब भाई फटाफट से यहाँ पर चारों तरफ भाई दुआई दुआ कर देते और भाई निकलेंगे यहाँ से फटाफट से भाई। अरे ये क्या, इन लोगों को तो पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ। अबे यार रुको अपनी गन निकालता हूँ और भाई इन लोग को अभी दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये ले साले, अबे रुक जा भाई, अबे यार ये गन रिलोड होने में बहुत टाइम लेती है। अबे रुक जा भाई पहले तो इसको उड़ाता हूँ। ये ले साले, और भाई तू आएगा मुझे मारने के लिए? रुको भाई यहाँ पर। ये ले साले सीधा जमीन हिला दूंगा भाई तुम्हारे पैरों के नीचे की। और ये ले साले तू भी, और भाई कौन आना चाहेगा मारने के लिए? ये ले भाई ट्रक के साथ तुझे भी उड़ा दूंगा। और भाई कौन है? ये ले भाई तुझे भी। अबे यार वो तो पीछे चला गया। अबे रुको भाई थोड़ा कवर लेना तो भाई मैं मर रहा जाऊँ। वैसे गाइजर मुझे इतनी गोलियां लग नहीं रही क्योंकि गाइजर मैंने एक बढ़िया वाला आर्मर पहना है। बट रुको भाई पहले तो इस ट्रक को अपना एक शील्ड बनाता हूँ और भाई इन सभी को उड़ाते। यहाँ पर पीछे एक बंदा है, रुक जा भाई तुझे भी उड़ाता हूँ। भाई देख रहे हो क्या ही उड़कर गिर गया वो। अब फटाफट से रिलोड करता है, लेट्स गो, इसको भी उड़ाया। और भाई कौन आना चाहता है मेरे सामने? आ भाई फटाफट से आ भाई। ये ले भाई तुझे भी उड़ाता हूँ। और भाई तुझे भी उड़ाना है, रुक जा भाई पहले तो कवर में जाने दो, लेट्स गो। और भाई अभी फटाफट से इसको उड़ा दे, भागेगा साले, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुको यार गाइस इसको भी उड़ाते हैं। ये ले साले, अबे यार ये धब्बा बीच में कहां से आ गया? रुको रुको रुको, ये ले साले। और गाइस मुझे लगता है ये आखिरी बचा हुआ है, इसको भी उड़ाते हैं। ये ले भाई क्या ही खतरनाक तरीके से मैंने इसको उड़ा दिया। ऐसे तो लगता है गाइस मैंने सारे के सारे आर्मी वालों को नहीं खत्म किया। और भाई कोई तो गोलियां चला रहा है यार, रुको भाई कहां से चल रही भाई गोलियां? अबे चल भाई मुझे लगता है भाई मैंने सभी को भाई उड़ा दिया। अब एक काम करते हैं फटाफट से भाई इस गोल्ड के हेलीकॉप्टर को लेकर यहां से उड़ जाते भाई सीधा उस बंद पड़े हुए एयरपोर्ट की तरफ। अगर भाई यहां पर और भी भाई साहब बहुत सारी आर्मी वाले आ गए भाई दिक्कत हो जाएगी। वैसे गाइस अभी भाई साहब कोई तो गोलियां चला रहा है, अभी ये देखो ये गोलियां चला रहा है। बट भाई तेरा गोलियां चलाने का कोई फायदा नहीं, मैं तो निकल चला भाई यहां से इस गोल्ड के हेलीकॉप्टर को लेकर। और भाई तुम लोग देख रहे हो भाई क्या ही प्यारा लग रहा है भाई गोल्ड के हेलीकॉप्टर।
ऐसे भाई नहीं, वो मुझे 20 करोड़ देने वाला भाई इस गोल्ड हेलीकॉप्टर के। बट चलो गाइस अभी बिना टाइम वेस्ट के चल उस बंद पड़े हुए एयरपोर्ट की तरफ और सौंप देते ये गोल्ड का हेलीकॉप्टर भाई साइमन को, और फिर तो भाई मुझे एकदम बढ़िया तरीके से 20 करोड़ मिलने वाला है। और गाइस आज तो मजा आने वाला है, बाद में जाकर एकदम बढ़िया तरीके से 20-20 सुपर कार खरीदेंगे। फिलहाल तो चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे चलते बड़ा से भाई उस बंद पड़े हुए एयरपोर्ट की तरफ और भाई सौंप देते साइमन को गोल्ड का हेलीकॉप्टर को, चलते बड़ा से लेट्स गो। तो फाइनली गाइस यार मैं लैंड करने वाला उस बंद पड़े हुए एयरपोर्ट के ऊपर, और यार ये देखो भाई बस लैंड करना बाकी है। और यार नीचे रुको भाई, मुझे साइमन वो लोग देखने तो कहां पर है, अरे वो देखो वो रहे वो साइमन वो लोग। अभी चलते गाइस फटाफट से उनके सामने भाई इसको लैंड कर देता हूं, लेट्स गो। थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, यहां पर बस बस भाई यहां पर लैंड करना है। हो गया भाई लैंड, अबे रुक जा भाई पलटना जा। चलो अभी उतरते हैं भाई फटाफट से अपने हेलीकॉप्टर के अंदर से। अल्लाह भाई साइमन कैसा है तू, ये देख भाई लेकर आ गया भाई मैं इस गोल्ड के हेलीकॉप्टर को। अरे वाह यार फाइनली तुम फाइनली इस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए, अबे पागल है भाई एकदम खतरनाक था ये प्लान। फिर भी भाई तू देख रहा है मैंने क्या ही बढ़िया तरीके से इसको छुरा भी लिया। अरे वाह वाह तुम तो एकदम बढ़िया इंसान हो, ये लो तुम्हारे 20 करोड़ रुपए। क्या इस बैग के अंदर है? बिल्कुल यार इस बैग के अंदर तुम्हारे 20 करोड़ है। अरे वाह भाई मजा आएगा, रुको गाइस अभी देखते हैं। ये देखो गाइस यार इस बैग के अंदर से भाई पूरे पूरे 20 करोड़ निकल आया यार, भाई मजा आ गया यार। ओहो भाई मजा आ गया गाइस, तुम लोग देख रहे हो 20 करोड़ मिल गए। अब एक काम करते फटाफट से इन पैसों को उठाते और भाई चलते सिंचन और चौप के पास। अरे हाँ जाओ जाओ, अभी तो मैं भी निकल ही रहा हूँ इस गोल्ड के हेलीकॉप्टर को लेकर। अच्छा ठीक है भाई, पर भाई अब मैं यहाँ से घर पे कैसे जाऊंगा चल के? अरे नहीं नहीं अंदर देखो, इस गोडाउन के अंदर मैंने तुम्हारे लिए कार ला के रखी है। अरे हाँ भाई यहाँ पर तो कार है, चला चला गाइस अब इस कार को लेके चलते हैं। वैसे तो गाइस यार मेरे पास एक भी कार नहीं थी, बट यार आज देख रहे भाई इस बंदे ने मुझे कार भी दे दी और भाई साथ ही साथ 20 करोड़ भी यार। वैसे भाई ये कार तो एकदम बढ़िया लग रही है यार। अरे हाँ फ्रैंकली तुम्हारे लिए वो कार। अरे ठीक है भाई साइमन, चला गाइस अभी तो चलते भाई फटाफट से घर पे। और यार सिंचन और चौप को दिखा दे अपने पैसे, वो लोग तो भाई इन पैसों को देखकर भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। बट पहले तो चल लो घर पे एक सेकंड। अबे ये क्या भाई रास्ते के बीच में बैठ के कौन रो रहा है बे? अबे रुका भाई चल कर देख लेता हूँ, चलो भाई पूछ कर ही पता चलेगा वो तो। हेलो भाई तुम रो क्यों रहे हो? अरे वो इसलिए क्योंकि यार हमारे पास कोई घर नहीं है। क्या तुम्हारे पास घर नहीं है? बिल्कुल यार तुम देख रहे हो मैं और मेरी बच्ची रास्ते के ऊपर आ गए क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा कर्जा ले रखा था। अच्छा कर्जा ले रखा था? बिल्कुल यार हमने बैंक से पूरे के पूरे 20 करोड़ का कर्जा ले रखा था, उसके बाद में हमने बैंक के पैसे नहीं दिए तो उन लोगों ने हमारे घर पे कब्जा कर लिया। अबे भाई तुम्हारे साथ तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ यार। बिल्कुल यार इसलिए अभी हम लोग रास्ते के ऊपर आ गए, और देख रहे हो इतने ठंड में हम लोग रास्ते के ऊपर बैठे, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, क्या करें अभी हम लोग। हाँ भाई तेरी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है यार। वैसे गाइस यार मुझे ऐसा लगता है भाई मुझे इसकी मदद करनी चाहिए यार। बट भाई मैं कैसे मदद करूंगा इसकी, कहाँ से दूंगा 20 करोड़? अबे एक सेकंड भाई मेरे बैग में तो 20 करोड़ ही है ना। अबे रुको भाई दे दूं क्या उसको 20 करोड़? वैसे भाई मेरे पास भी एक घर है, बट भाई मुझे भी एकदम बढ़िया वाली कार लेनी थी यार। अबे छोड़ो भाई क्या यार, इसकी छोटी बच्ची और इसकी हालत देखकर भाई मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। ये लो भाई मेरे पास 20 करोड़ है, तुम इसको रख लो और भाई जाकर अपना घर छुड़ा लो। क्या सच्ची में? बिल्कुल भाई तुम ले लो यार, भाई तुम्हारी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यार, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो। अरे कोई बात नहीं भाई तो पहले पैसे पकड़। अरे थैंक यू सो मच, तो चलो भाई मैं अभी निकलता यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनो। बोल भाई क्या हो गया, अब क्या चाहिए तुझे? अरे मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता है भाई अब तू मुझे? मैं तुम्हें एक बर्गर देना चाहता हूँ। क्या बर्गर? बिल्कुल यार मैं तुम्हें अभी एक बर्गर देना चाहता हूँ जिसे तुम खा लो, और जब मैं यहाँ से जाऊंगा तब यार तुम जो चाहे वो मांग लेना अपने मन के अंदर। क्या भाई क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। अरे तुम बस मेरी एक बात सुनो, मैं अब तुम्हें एक बर्गर दूंगा उसको बस खा लेना, और जब मैं जाऊंगा उसके बाद में तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो तुम। अच्छा ठीक है भाई, दिखा यार कौन सा बर्गर दे रहा है तू मुझे। अच्छा ठीक है रुको अभी देता हूँ, ये लो ये रहा वो बर्गर। अबे हाँ भाई यहाँ पर तो एक बर्गर आ गया। बट भाई ये बर्गर आया कैसे? अरे वो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक काम करो फटाफट से खा लो इसको। बट भाई इसके अंदर से गोल्डन कलर की रोशनी क्यों आ रही है? अरे मैं एक बार कहा ना ज्यादा सवाल मत पूछो, फटाफट से इसको खा लो तुम। अच्छा ठीक है भाई रुको भाई अभी खाता हूँ। यम 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 यम। लो भाई मैंने उस बर्गर को तो खा लिया, बट भाई करना क्या है वो तो बताओ मुझे। अरे बताओ भाई क्या करना है, एक सेकंड। अबे वो इंसान कहाँ चला गया, और भाई मेरी बैग? अबे मुझे पागल तो नहीं बनाकर चला गया? वो तो कुछ बोल रहा था भाई बर्गर खा लो अपने मन के अंदर जो चाहिए मांग लो। अबे क्या बोल रहा था वो सब? अबे छोड़ो भाई मुझे क्या करना है, मैं तो भाई चला यहाँ से। वैसे भाई साहब मैंने उसकी मदद कर दी है, वो अभी जाकर मैं अपने घर को छुड़ा ही लेगा। बट चलो मैं अभी घर पे चलते फटाफट से, एक सेकंड। अबे ये क्या हो गया भाई, मेरी गाड़ी गोल्ड की बन गई क्या? अबे हाँ यार गाइस तुम लोग देख रहे हो ये गाड़ी तो भाई लिटरली गोल्ड की बन गई। अबे ये कैसे पॉसिबल है भाई, जैसे मैं इस गाड़ी के अंदर बैठ गया और बाद में देख रहा हूँ भाई गाड़ी का कलर चेंज हो गया। अबे पर ये कैसे पॉसिबल है यार, कहीं उस बर्गर की वजह से तो नहीं? उसने कहा था कि भाई जो चाहिए वो मांग लो, अबे ऐसे कुछ बोल रहा था ना वो। अबे रुको भाई किसी और की गाड़ी को भी टच करके देखता हूँ, रुको भाई इसके कार को टच करता हूँ। ये लगाया हाथ, और यार ये देखो गाइस यार ये कार भी भाई गोल्ड की बन गई। अबे मतलब भाई मैं किसी भी चीज को टच करूँ वो गोल्ड का बन रहा है? अबे ये कैसे पॉसिबल है भाई। और यार उसने कहा था कि अपने मन के अंदर जो चाहिए मांग लो, रुको भाई मांग कर देखता हूँ क्या पता भाई वो भी आ जाए। तो चलो भाई अभी एक काम करो यार, फटाफट से यहाँ पर अभी एकदम बढ़िया वाली डायमंड की फरारी आ जाए। ये देखो गाइस ये तो सच्ची में आ गई, अबे मतलब वो जादुई बर्गर था। अबे ये कैसे पॉसिबल है यार, बट छोड़ो भाई मुझे क्या करना है, रुको भाई पहले इसको चला कर देखता हूँ। अरे हाँ भाई ये तो चल रही है। और गाइस तुम लोग देख रहे हो भाई मैं जो भी चीज मांग रहा हूँ मुझे सारी की सारी चीजें मिल रही है। मतलब गाइस मैं पैसे भी मांग सकता हूँ, गोल्ड भी मांग सकता हूँ, डायमंड भी मांग सकता हूँ। अरे वाह भाई ये तो एकदम बढ़िया यार, ऐसा बर्गर भाई मुझे रोज मिले यार।
बट छोड़ो भाई, अभी फिलहाल के लिए काम करते गाइस, इन पावर का इस्तेमाल करके भाई एकदम बहुत ज्यादा अमीर बन जाते हैं। बट पहले तो चलते गाइस थोड़ा सा अपने घर पे, और यार सिंचा और चॉप को दिखाते हैं अपनी बड़ी वाली पावर्स। वो लोग तो इन पावर को देखकर भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, उनको तो भाई मैं जो चाहे वो दूंगा। और गाइस आप लोग भी भाई साहब बहुत ज्यादा खुश हो मेरे लिए, तो गाइस यार एक काम कर देना पड़ा, इस वीडियो को लाइक और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना। अभी तो चलते गाइस थोड़ा सा पहले तो अपने घर पे, लेट्स गो। तुम लोग एक बार साउंड सुनो गाइस यार इस फरारी का, भाई साहब क्या ही बढ़िया आ रहा है। हो भाई मजा आ रहा है इसको चलाते वक्त। बट यार गाइस ये देखो भाई मैं पहुंच गया अपने घर पे, ब्रेक लग जा भाई। चलो गाइस अपनी कार तो रुक गई, और भाई फटाफट से अभी सिंचाई का आवाज देता हूँ। हेलो भाई सिंचाई, फटाफट से घर के ऊपर आ जा यार। क्या फ्रेंकली पापा अभी के पैसे लेकर? बिल्कुल भाई सिंचाई पैसे लेकर देने आया, बट भाई कुछ एक बढ़िया वाली चीज लेकर आया तुझे दिखाने के लिए। क्या बढ़िया वाली चीज? बिल्कुल भाई तू फटाफट से आ तो सही। अच्छा रुको अभी आता हूँ यार। पता नहीं है फ्रेंकली भाई मुझे क्यों बुला रहे ऊपर। अरे आ जा भाई, तुझे एकदम खतरनाक वाली चीज दिखाता हूँ मैं। अच्छा दिखाओ कौन सी चीज है। और यार ये देखो मैं तो गिर गया। अरे ये देख भाई सिंचाई, मैं तेरे को दिखाने के लिए एकदम बढ़िया वाली डायमंड की फरारी लेकर आया हूँ। क्या कर डायमंड की फरारी? बिल्कुल भाई सिंचाई तेरे लिए एकदम खतरनाक वाली डायमंड की फरारी लेकर आया मैं। अरे वायर फ्रेंकी पेपर, ये आपने कहा से चुराई? वायर ही तो एकदम खतरनाक दिख रही है। बिल्कुल भाई सिंचाई एकदम बढ़िया दिख रही है। वैसे बता भाई सिंचाई तुझे अभी क्या चाहिए मुझसे? यार मैं तो सोच रहा था आपसे बहुत सारी एकदम बढ़िया वाली आरसी कार ले लूं। अच्छा ठीक है भाई सिंचाई अभी दिलाता तुझे एकदम बहुत सारी आरसी कार। क्या सच में? बिल्कुल भाई अभी दिलाता हूँ। तो चलो अभी एक काम करो यार, फटाफट से यहाँ पर अभी बहुत सारी आरसी कार आ जाए। फ्रेंकली भाई कहाँ से आ गई इतनी सारी आरसी कार? बता भाई सिंचाई मेरे एकदम खतरनाक वाली पावर से आ गई। क्या सच में? बिल्कुल भाई। अब बता भाई सिंचाई तुझे और क्या क्या चाहिए? फ्रेंकली भाई मुझे तो बहुत सारे पैसे, गोल्ड, डायमंड सब कुछ है। अच्छा ठीक है भाई तुझे अभी सब कुछ दिलाता हूँ। तो चलो अभी एक काम करो फटाफट से, अभी यहाँ पर बहुत सारा गोल्ड आ जाए। ये देखो गाइस यार यहाँ पर कितना सारा गोल्ड आ गया भाई, फाड़ी लग गया यहाँ पर तो। और यार फ्रेंकी भाई पैसे भी तो मंगाओ। अच्छा ठीक है भाई पैसे भी मंगवाता हूँ। तो चलो भाई एक काम करो, यहाँ पर अभी बहुत सारे पैसे आ जाए। ये ले भाई सिंचाई पैसों का पहाड़ भी खड़ा कर दिया। आप बता भाई क्या चाहिए? फ्रेंकली भाई अभी यार बहुत सारी महंगी महंगी सुपर कार मंगवा लो। अच्छा ठीक है भाई सुपर कार भी मंगवाता है। तो चलो भाई एक काम करो, यहाँ पर एकदम बेहतरीन से बेहतर एकदम बढ़िया वाली गोल्ड और डायमंड की सुपर कार आ जाए। और यार ये देख भाई सिंचाई यहाँ पर कितनी सारी भाई गोल्ड और डायमंड की सुपर कार भी आ गई। अरे वायर फेंगी पेपर ये सब कैसे पॉसिबल है? अरे वो तो भाई सिंचाई मेरे पास एकदम खतरनाक वाली पावर्स है, उनसे भाई ये सब कुछ पॉसिबल है। क्या सच्ची में? बिल्कुल भाई सिंचाई पहले तो आजा भाई, हम लोग इस कार में घूमने चल रहे हैं। क्या घूमने? बिल्कुल यार चलो चलो मैं भी आना चाहूंगा। हाँ भाई आ जा यार, अभी चलेंगे भाई इस कार में भाई पूरे लॉस सेंटर्स के अंदर घूमने के लिए। अच्छा ठीक है चलो मैं बैठ गया। तो चलो गाइस अभी मैं और सिंचाई जा रहे हैं इस बढ़िया वाली कार में घूमने के लिए। और गाइस आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताओ यार मुझे अपने इन पावर का इस्तेमाल करके और यार क्या क्या मंगवाना चाहिए। फ्रेंकली भाई मैं तो बोलता हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स की सारी इच्छाएं पूरी कर दो। अच्छा ठीक है भाई ये भी कर दूंगा। तो चलो गाइस एक काम कर देना फटाफट से, मुझे कमेंट के अंदर अपनी यार सारी की सारी इच्छाएं बता देना, मैं आप सभी की विशेष भाई अपने इन पावर का इस्तेमाल करके पूरी कर दूंगा। बट फिलहाल तो गाइस यार आपको आज के वीडियो पसंद आए तो गाइस यार एक काम कर देना फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं और सिंचाई मिलते हैं ऐसे ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।